हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा। के शर्मा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के शर्मा जी, इस समय जम्मू कश्मीर में जो है परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि परिसीमन की जो प्रक्रिया है कब समाप्त होगी, रिपोर्ट कब तैयार होगी। चूंकि आप भी परिसीमन आयोग के सदस्य हैं, हमें बताइए कब तक ये रिपोर्ट कम्प्लीट होने वाली है, क्योंकि उसके बाद चुनाव होने हैं। यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू कश्मीर के लिए इस समय काम कर रहा है, उसके तीन मेंबर, जैसा आपने कहा, चेयरमैन और दो अदर मेंबर हैं। कमीशन की जो टाइमलाइन है वो मार्च 2022 की है। इस टाइमलाइन को मद्देनज़र रखते हुए कमीशन इस समय अपनी रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। लगभग हर एक वीक में मीटिंग हुई हैं। पिछले महीने में कमीशन ने जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया था, जिलों में गए थे, अनंतनाग में और किश्तवाड़ में, श्रीनगर में मीटिंग हुई, जम्मू में मीटिंग हुई। तो कमीशन का जो काम करने का तरीका है वो सारा डेटा जो कमीशन जो एक एक्ट के अंडर में डिलिमिटेशन करी जाती है, उस एक्ट में कुछ क्राइटेरियाज हैं और वो क्राइटेरियाज के बारे में कमीशन को इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कमीशन की सेक्रेटरीट है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन डिपार्टमेंट, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास गई है। कुछ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहिए थी, कुछ सेंसस से इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी कमीशन के पास आ गई हैं। और क्या हम समझे कि आखिरी चरण में परिसीमन की प्रक्रिया है इस समय? कमीशन को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लगभग सारी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कमीशन ने अपने पास में इकट्ठी कर ली है। कुछ एक बिंदुओं के ऊपर में भी इन्फॉर्मेशन आनी है कमीशन के पास में, और जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो कमीशन के जो सेक्रेटरीट है वो ऑफिसर उसके कलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि मार्च 2022 तक परिसीमन की प्रक्रिया जो है जम्मू कश्मीर में समाप्त हो जाएगी। कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है वो इस सीमा को मद्देनज़र रखते हुए अपना टाइम टेबल कमीशन का, इंटरनल टाइम टेबल कमीशन ने उस तरीके से उसको फाइनलाइज किया हुआ है और उसके मुताबिक काम कर रहा है। के शर्मा जी, चूंकि आप भी परिसीमन आयोग के सदस्य हैं, हालांकि यहाँ पर चुनाव करने कराने का दायित्व जो है वो चुनाव आयोग पर है, जो देश का चुनाव आयोग है, लेकिन फिर भी आप हमें बताइए कि क्या अगर मार्च तक ये रिपोर्ट जो है पूरी हो जाती है, परिसीमन की प्रक्रिया समाप्त होती है, तो क्या फिर हम समझें कि अगले साल चुनाव हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए डिलिमिटेशन होना जरूरी है जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर में। मैं यहाँ पर आपसे छोटी बात कर रहा हूँ, सिर्फ छोटी बात मेरा कहने का ब्रीफ में जो बात कर रहा हूँ सिर्फ डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये वो है प्रेरोगेटिव है और वही उसके बारे में बात कर सकते हैं। डिलिमिटेशन के बारे में जो जो वो जो एक मस्ट है, मैंडेटरी है, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखी हुई है, उसके ऊपर काम बढ़ रहा है। डेटा सारा एनालाइज हो रहा है और कमीशन के जो बॉडी है उसके ऊपर काम कर रही है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि जो प्रावधान है, जो अभी तक हमें जानकारी मिली है कि 7 सीटें जो हैं वो बढ़नी है जम्मू कश्मीर की, जो पहले स्ट्रेंथ थी 87 सीटें, लद्दाख चूंकि अब अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश है वहां की 4 सीटें जो है घट जाती 83 प्लस 7, यानी कि 90 सीटें अब जो है स्ट्रेंथ होने वाली है। लेकिन बीच में जो जैसे कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के जो विस्थापित लोग हैं, उनकी मांग है कि जो POJK की सीट्स जो फ्रीज की हुई है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, उनको उसमें से एटलीस्ट 1/3 सीट जो है डीफ्रीज की जाए। क्या ऐसा भी विचार कर रही है जो परिसीमन आयोग, इस पर भी विचार कर रही है? और दूसरी बात, कई लोगों की ये भी मांग है कि विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए भी जो है 3 सीटों के जो है आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। क्या इन विषयों पर विचार हो रहा है? जब कमीशन जम्मू कश्मीर में आया था तो डिफरेंट संस्थाओं ने अपनी अपनी डिमांड्स कमीशन के सामने रखी थी। ये जो आपने मेंशन किया, इसके बारे में भी जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये डिमांड रखी थी। कमीशन जो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में काम कर रहा है, वो एकदम जो देश की कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और जो डिलिमिटेशन कमीशन लॉ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फाइनलाइज करेगा। यानी कि सीटें वो नहीं होंगी, POJK की सीट डीफ्रीज नहीं होंगी। जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर में लीगल प्रोविजंस हैं वो और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मद्देनजर रखते हुए डिलिमिटेशन फाइनलाइज होगी। आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।